कृषि विभाग में आई है 3,446 पदों पर नई वैकेंसी। पूरी जानकारी को देख लेते हैं, पूरी जानकारी को आपसे हम साझा कर देते हैं। और जैसा आप देख पा रहे हैं क्या भाई, कृषि विभाग में प्राविधिक सहायक ग्रुप सी के 3,446 पदों पर होगी भर्ती। तो यहाँ पर इस जानकारी को पूरा हम आपके सामने करते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने मुख्य परीक्षा के लिए जारी किया विज्ञापन। मतलब ये जो भर्ती है वो किससे है भाई, पैट जिन्होंने क्लियर किया हुआ है उनसे संबंधित है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कृषि विभाग में कृषि निदेशक के अधीन प्राविधिक सहायक ग्रुप सी के कितने 3,446 रिक्त पदों पर चयन के लिए आयोजित की जाने वाली मुख्य परीक्षा, कौन सी परीक्षा है, मेन परीक्षा है, मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। प्राविधिक सहायक ग्रुप सी मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थी 1 मई से, कब से करेंगे, 1 मई से ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की आखिरी तिथि 31 मई है। मतलब फॉर्म जो आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं, 31 मई तक। तो ये जो फॉर्म आएगा वो 1 मई से 31 मई के बीच चलेगा। शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन की अंतिम तारीख जो है वो 7 जून है। मतलब कोई करेक्शन करना है तो आप बिल्कुल 7 जून तक उसमें करेक्शन कर सकते हैं। आयोग ने प्राविधिक सहायक ग्रुप सी मुख्य परीक्षा के लिए सोमवार को विज्ञापन प्रकाशित कर दिया, लेकिन अभी मुख्य परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की। मतलब अभी जो इसका एग्जाम कब होना है ये अभी नहीं बताया है आयोग ने। प्राविधिक सहायक ग्रुप सी मुख्य परीक्षा के लिए विज्ञप्ति पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों को प्रारंभिक आहर्ता परीक्षा 2023 में उनके स्कोर के आधार पर शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। 15 गुना को यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड करने की बात की है। जो पैट के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पैट क्लियर किया है वो उन फॉर्म अप्लाई करेंगे और उनमें से जो ये 3,446 पद हैं उनके 15 गुना यहाँ पर बुलाए जाएंगे मेन परीक्षा के लिए। आयोग ने मुख्य परीक्षा की परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है और परीक्षा तिथि के बारे में अभ्यर्थियों को अलग से सूचित कर दिया जाएगा। तो अगर आपको जानना है इसका क्या भैया पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस, तो आप बिल्कुल हमें कमेंट भी कर सकते हैं या फिर बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर इसे बिल्कुल चेक कर सकते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कितने अभ्यर्थी यहाँ पर बोर्ड जो है सेलेक्ट करेगा। देखिए 3,446 को गुणा कर दो आप किससे, 15 से, तो 15 चौका 60 हासिल को सॉरी 15 चौका 60 नहीं, 15 छिका 90 15 छिका 90 हासिल को 9 और 15 चौका 60 और 9 हो जाएंगे 69 हासिल को आए 6 और 15 चौका 60 और 6 66 हासिल 6 15 से 45 और 6 हो जाएंगे 51। कुल मिलाकर जो टोटल कैंडिडेट बोर्ड बुलाने वाला है मुख्य परीक्षा के लिए वो कितने होंगे, 51,690 जो कुल कैंडिडेट है वो बुलाएगा बोर्ड। तो ये एक छोटी सी जानकारी निकल कर आई थी जो आपसे हमने की है साझा। आगे सभी अपडेट के लिए आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।